हेलो भाई, मैं वंकित। हीरो मोटोकॉर्प ने कुछ टाइम पहले हार्ले डेविडसन के साथ मिलकर गाड़ी को लॉन्च करा था, जिसका नाम X440 था। उस गाड़ी का कुछ खास रिस्पांस नहीं है भाई इंडियन मार्केट में, फिर भी यार हीरो मोटोकॉर्प वाले एक और गाड़ी को ला रहे हैं उसी सेगमेंट में। पता नहीं भाई ये लोग क्या चाह रहे हैं यार। खैर छोड़ो ये सब भाई, देखेंगे 23 तारीख को लॉन्च होने वाली है ना। कल मैंने आप सभी को एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने आप सभी को 150 सीसी से लेकर 200 सीसी सेगमेंट की सारी गाड़ियों को सेल्स के बारे में बताया, तो उस वीडियो पे आप सभी ने भर भर के प्यार दिया, मजा आ गया देख के। बाकी आज वाले वीडियो में भाई आप सभी के डिमांड पे ही 300 सीसी से लेकर 500 सीसी सेगमेंट की सारी गाड़ियों के सेल्स के बारे में जानेंगे। इस सेगमेंट में भी बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिशन है भाई, तो आओ देखते हैं कौन कौन सी गाड़ी कितनी बिकी आखिर है। इस सेगमेंट में आपको बहुत सारी कंपनी गाड़ी ऑफर करती है, होंडा, बजाज, रॉयल एनफील्ड, जावा, KTM, बहुत सारी कंपनी भाई। तो आओ देख लेते हैं डिटेल में, मजा भरपूर आने वाला है। वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। पिछले महीने से भी कंपेयर करेंगे और उनका लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस, पावर, टॉर्क, माइलेज, कर्व, वेट, कलर ऑप्शन, टॉप स्पीड, हर चीज के बारे में जानेंगे डिटेल में। तो 15th नंबर पे आइए कावासाकी निंजा 400। ये फुल्ली फेयरिंग बाइक है भाई। इसकी नवंबर में 18 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में, जबकि अक्टूबर में 28 यूनिट बिकी थी, मतलब 10 गाड़ियां कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। इस गाड़ी का प्राइस ऑन रोड भाई हमारे यहाँ शो हो रहा था 6,02,859 रुपए है, मतलब मोटा मोटे आपको 6 लाख रुपए देना पड़ेगा इस गाड़ी को लेने के लिए। इसमें आपको पावर अच्छा खासा ऑफर किया जाता है भाई, 400 सीसी की है फिर भी 44.7 bhp का पावर और 37 Nm का टॉर्क मिलता है आपको। बाकी माइलेज ज्यादा नहीं मिलता, 25-26 तक मिलता है, और भगा के चलाओगे तो 20 ही मिलेगा भाई। बाकी कर्वेट इस गाड़ी का 168 kg है, 2 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, बाकी 169 kmph का टॉप स्पीड इसमें मिल जाता है। बाकी 14th नंबर पे आइए कावासाकी की ही निंजा 300। इस गाड़ी को अच्छा खासा पसंद किया जाता है भाई, क्योंकि ये थोड़ी कम प्राइस में आ जाती है ना, मतलब 3,90,000 रुपए इसका ऑन रोड प्राइस है। इसकी नवंबर में बिकी 119 यूनिट, जबकि अक्टूबर में बिकी 111 यूनिट, मतलब कंपेयर करा जाए तो 8 गाड़ियां ज्यादा बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। बताओ नवंबर में इतना मंदा-मंदी चला है फिर भी ये गाड़ी ज्यादा बिकी है पिछले महीने से, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसमें आपको पावर 39 bhp के आसपास मिल जाता है और 26.1 Nm के अराउंड टॉर्क मिल जाता है। 29-30 तक इसमें भी आपको माइलेज मिल जाता है, बाकी 179 kg इसका कर्वेट है, 3 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, बाकी 160 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी 13th नंबर पे आइए होंडा की CB300 सीरीज। यहाँ पे आपको 2 प्रोडक्ट मिल जाते हैं, CB300F और CB300R, दोनों की कंबाइन 363 यूनिट बिकी है नवंबर के महीने में, जबकि अक्टूबर में 435 यूनिट बिकी थी, मतलब 72 गाड़ियां कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। यहाँ पे अपन CB300F के बारे में जान लेते हैं, जो भाई बहुत ही सस्ते प्राइस में ऑफर की जाती है, 2,01,000 रुपये उसका ऑन रोड प्राइस आता है। मतलब 300 सीसी की गाड़ी और 2,01,000 रुपये आपको मात्र पे करना है, होंडा वालों को मानना पड़ेगा भाई। खैर 24.13 bhp का पावर, 25.6 Nm का टॉर्क, 36 kmph का माइलेज, 153 kg का कर्वेट, 3 कलर ऑप्शन, बाकी 155 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी 12th नंबर पे आइए डोमिनार 400। इस गाड़ी के 381 यूनिट बिकी है नवंबर के महीने में, जबकि अक्टूबर में 696 यूनिट बिकी थी, 315 गाड़ियां कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने डोमिनार 400 की। ये आपको 272,000 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है, मतलब इतने कम प्राइस में यार बजाज वाले 400 सीसी की बाइक ऑफर कर देते हैं आपको, बहुत बड़ी बात है यार। इसमें भी आपको 40 bhp के आसपास पावर मिल जाता है, 35 Nm के अराउंड टॉर्क मिलता है, 30 kmph का माइलेज, 193 kg कर्वेट, इसका कर्वेट ही ज्यादा है भाई, हद से ज्यादा है। 2 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, बाकी 155 kmph का टॉप स्पीड इसमें भी मिल जाता है। बजाज के लोहा के बारे में आप सभी अच्छे जानते हैं भाई, इसीलिए इनकी गाड़ियां भारी होती हैं। खैर 11th नंबर पे आई है TVS की अपाची 310 सीरीज। यहाँ पे आपको 2 प्रोडक्ट मिलने लगे हैं भाई, RR310 और RTR310, दोनों कंबाइन 693 यूनिट बिकी है नवंबर के महीने में मात्र, जबकि अक्टूबर में 1,089 यूनिट बिकी थी, मतलब 356 गाड़ियां कम बिके पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। अगर आप RTR310 लेना चाहते हो तो आपको 2,80,000 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है ऑन रोड, 35.8 bhp का पावर, 28.7 Nm का टॉर्क, 30 kmph का माइलेज, 179 kg का कर्वेट, 2 कलर ऑप्शन, बाकी 150 kmph टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी 10th नंबर पे आइए KTM की 390 सीरीज। यहाँ पे आपको 3 प्रोडक्ट मिल जाते हैं, ड्यूक, RC एडवेंचर, तीनों कंबाइन मात्र नवंबर के महीने में 1,001 यूनिट बिकी है, जबकि अक्टूबर में 1,572 यूनिट बिकी थी, मतलब 571 गाड़ियां कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने KTM 390 की। अगर आप ड्यूक वाला मॉडल लेते हो तो 3,61,000 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है ऑन रोड, 45.3 bhp का पावर, 39 Nm का टॉर्क, ये भी अच्छा खासा पावर ऑफर करते हैं भाई, 20 kmph का माइलेज, 169 kg का कर्वेट, 2 कलर ऑप्शन, बाकी 170 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी 9th नंबर पे आइए रॉयल एनफील्ड की हिमालयन। इस गाड़ी की 1,814 यूनिट बिकी है नवंबर में, जबकि अक्टूबर में 2,944 यूनिट बिकी थी, मतलब 1,130 गाड़ियां कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने हिमालयन की। ये आपको 3,35,567 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है। इसमें पावर मिलता है 39.47 bhp का,
40 Nm का टॉर्क, 30 से 35 तक माइलेज, 196 kg का करवेट, 5 कलर ऑप्शन, बाकी 135 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी 8th नंबर पे आइए हार्ले डेविडसन और हीरो की X440। भाई इस गाड़ी की 2160 यूनिट बिकी है मात्र, जबकि अक्टूबर में 2495 यूनिट बिकी थी, मतलब 335 गाड़ियों का गिरावट है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने के सेल्स में। बताओ ये तो हाल है यार X440 का, फिर भी हीरो मोटोकॉर्प वाले पागल हुए पड़े हैं। इस सेगमेंट में यार रॉयल इनफील्ड की ही गाड़ी को लोग बाग ज्यादा पसंद करते हैं। खैर X440 अगर आप लेना चाहते हो तो 283,373 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है। पावर अगर मिलता है 27 bhp का, टॉर्क मिलता है 38 Nm का, 35 kmph का माइलेज, 190 kg का करवेट, 4 कलर ऑप्शन, बाकी 135 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी 7th नंबर पे आइए होंडा CB350 सीरीज। यहाँ पे भी आपको 3 प्रोडक्ट मिलने लगे हैं भाई, हाइनेस CB350, CB350 RS और एक नॉर्मल CB350। तीनों कंबाइन 2466 यूनिट बिकी है नवंबर के महीने में, जबकि अक्टूबर में बिकी था 2883 यूनिट, 417 गाड़ियां कम बिकी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। ये तीनों गाड़ियां भाई इतनी मस्त है ना, इतना इसमें अच्छा इंजन मिलता है रॉयल एनफील्ड से, फिर भी लोग बाग नहीं खरीदते भाई। 247,649 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है आपको CB350 जो नई वाली लॉन्च हुई है। 20.7 bhp का पावर, 29.4 Nm का टॉर्क, 35 kmph का माइलेज, 187 kg का करवेट, 5 कलर ऑप्शन, बाकी 130 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी 6th नंबर पे आई है बजाज या फिर ट्राइम कह लो, उनकी स्पीड 400, 2661 यूनिट बिके नवंबर के महीने में मात्र, जबकि अक्टूबर में 3408 यूनिट बिके थी, मतलब 747 गाड़ियां कम बिकी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। इस गाड़ी का भी वही हाल है यार, ये गाड़ी आपको 233,000 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है एक्सोरूम। 39.5 bhp का पावर, 37.5 Nm का टॉर्क, 30 kmph का माइलेज, 176 kg का करवेट, 3 कलर ऑप्शन, बाकी 170 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। अब आते हैं टॉप 5 में। 5th नंबर पे आई है जावा और HD। यहाँ पे मैं आपको जावा और HD की सारी गाड़ियों का सेल्स बताऊंगा। दोनों कंपनी मिलके 3166 यूनिट ही बेच पाए हैं नवंबर के महीने में, जबकि अक्टूबर में 2689 यूनिट बिकी थी, मतलब कंपेयर करा जाए तो 477 गाड़ियां इन्होंने ज्यादा बेचा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है भाई। लेकिन फिर भी यार दो कंपनी मिलके इतना कम सेल, बताओ क्या ही खर्चा चलता होगा इनका। 262,751 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है आपको जावा बॉबर 42। बहुत ही तगड़ी गाड़ी है यार, मस्त लगती है। 29.51 bhp का पावर, 32.7 Nm का टॉर्क, 30 kmph का माइलेज, 14 लीटर का फ्यूल टैंक, बाकी 4 कलर ऑप्शन, 130 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। जावा ने एक नई नवेली गाड़ी को लॉन्च करा है भाई, उसके बारे में वीडियो लाऊंगा तब अच्छे से बताऊंगा। खैर 4th नंबर पे आई है मेटियोर 350, रॉयल एनफील्ड की प्रोडक्ट है। इसकी 8,051 यूनिट बिकी है नवंबर के महीने में, जबकि अक्टूबर में 10,141 यूनिट बिकी थी, मतलब 2090 गाड़ियां कम बिकी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने मेटियोर 350 की। ये आपको 238,586 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है। 20.2 bhp का पावर, 27 Nm का टॉर्क, 35 kmph का माइलेज, 191 kg का करवेट, 16 कलर ऑप्शन, बाकी 112 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी 3rd नंबर पे आई है हंटर 350। इस गाड़ी की 14,176 यूनिट बिकी है नवंबर के महीने में, जबकि अक्टूबर में 17,732 यूनिट बिकी थी, मतलब 3556 गाड़ियां कम बिकी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने हंटर 350 की। ये आपको 176,489 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है। 20.2 bhp का पावर, 27 Nm का टॉर्क, 36 kmph का माइलेज, 177 kg का करवेट, 10 कलर ऑप्शन इसमें भी मिल जाते हैं, बाकी 114 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है इसमें भी। हंटर को भी लोग बाग अच्छा खासा पसंद कर रहे हैं भाई, लेकिन नवंबर का महीना हंटर के लिए अच्छा नहीं रहा। खैर आगे बढ़ते हैं। 2nd नंबर पे आई है रॉयल एनफील्ड की नई नवेली बुलेट 350। इस गाड़ी की 17,450 यूनिट बिकी नवंबर के महीने में, जबकि अक्टूबर में 14,281 यूनिट बिकी थी, मतलब 3169 गाड़ियां ज्यादा बिकी है बुलेट 350 की, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 202,727 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है आपको बुलेट 350। 20.2 bhp का पावर, 27 Nm का टॉर्क, 35 kmph का माइलेज, अगर आप प्यार से चलाओगे तो 40 भी मिल जाएगा, बाकी 195 kg का करवेट, 5 कलर ऑप्शन, 110 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है। बाकी नंबर 1 पे आई है हमेशा की तरह क्लासिक 350 सेगमेंट की किंग। इसकी 30,264 यूनिट बिकी है पूरे भारत भर में, जबकि अक्टूबर में 31,897 यूनिट बिकी थी, मतलब 1633 गाड़ियां कम बिकी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने क्लासिक 350 की। इतना कम बिकना चलता है भाई, देखना अगले महीने ये ज़्यादा बिक जाएगी तो सब बराबर हो जाएगा। 224,371 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है आपको क्लासिक 350 ऑन रोड। 20.2 bhp का पावर, 27 Nm का टॉर्क, 35 kmph का माइलेज, 195 kg का करवेट, 15 कलर ऑप्शन, बाकी 114 kmph का टॉप स्पीड मिल जाता है इसमें भी। तो यहाँ पे हम सभी ने भाई 300cc से लेके 500cc सेगमेंट की सारी गाड़ियों के सेल्स के बारे में जान लिया। इस सेगमेंट में तो रॉयल एनफील्ड ही किंग है भाई, कह सकते हो। बजाज, KTM और आपकी
होंडा इन सब का कोई भी भाई पूछ नहीं है इस सेगमेंट में ज़्यादा। बाकी हीरो मोटोकॉर्प भी लाने ही वाले हैं भाई इस सेगमेंट में अपनी गाड़ी, तो देखते हैं उस गाड़ी का क्या रिस्पॉन्स होता है भाई। देखो अगर सस्ते में लॉन्च कर देंगे ना तो फिर ठीक रहेगा, अगर महंगा करेंगे तो भाई फिर कोई पूछेगा नहीं। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाइयों, दिल से जय हिंद सभी को।